ये कहानी है भारत के वीर पुत्र और मेवाड़ रत्न महाराणा प्रताप की। राजवैद्य महारानी जयवंता बाई को बताते हैं कि जो पात्र जयवंता बाई को कोठार ग्रह से मिला है उस पात्र में विष था, जिसे सुनते ही महारानी जयवंता बाई स्तब्ध रह जाती हैं और तुरंत रानी धीरबाई से मिलकर उनसे इस विषय में पूछती हैं, जिसे राणा उदय सिंह सुन लेते हैं और वहां घुड़सवारी की आरंभिक शिक्षा के दौरान कुंवर प्रताप का घोड़ा बिदक कर उन्हें खाई की ओर ले जाता है। बसर खान कुंवर प्रताप के पीछे जाकर उनपे वार कर देते हैं और कुंवर प्रताप मूर्छित हो जाते हैं। अब आगे बन गए ना आप हमारे मित्र। माना किस्मत ने घोड़े से तुम्हें बचा लिया, पर रब बशर के इस भूचे तीर से तुम्हें कौन बचाएगा शहजादे? थाना शमशेर खान के बशर जिसका नाम एक बार ले लेता है उसे मरना ही पड़ता है। कोकुयाजी, हम जानते हैं आप धीरबाई जी के विश्वास पात्र हैं, पर अपनी मातृभूमि के लिए भी आपका कोई एक कर्तव्य है और उसी का वास्ता देकर हम धीरबाई जी और राणा जी के सामने आपसे पूछते हैं। बिना किसी से डरे सच बताइए, हम
हमने धीरबाई जी के लिए जो भी अब तक कहा है वो सच है या झूठ? आपको अपनी मातृभूमि की शपथ है कोकोइया जी, क्या धीरबाई जी ने वो सब कुछ नहीं किया जिससे कुंवर प्रताप सदा सदा के लिए राणा जी, अब तो मर्यादाओं की सीमा का भी खुला अपमान हो गया। अब राजा से लोग दास दासियों की सहायता से छोटे मोटे आरोप सुलझाएंगे। धीरबाई जी, कुंवर प्रताप की हत्या का षड्यंत्र कोई छोटी बात नहीं है और ना ही ये कोई भ्रम है, ये सच्चाई है। बस श्यवंताबाई जी, बस बस, अब हम आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते। दादा भाई, कहाँ है आप? बाबूजीराज, आप कहाँ हैं? बाबूजीराज, बाबूजीराज। राणा जी, क्या आपको हमारी किसी बात में सच नहीं दिख रहा? जयवंता जी, हमें तो केवल एक बात में सच दिख रहा है और वो ये है कि अगर किसी भी औरत को आवश्यकता से अधिक सम्मान और अधिकार दे दिया जाए तो वो अपनी सीमा भूल जाती, अपनी मर्यादा भूल जाती, अपने पद की गरिमा भूल जाती और वो अपनों का ही नाश करने लगती है। और यही सब कुछ कर रही हैं आप जयवंता बाई जी। हमने सदा आपको सबसे अधिक सम्मान दिया, सबसे अधिक अधिकार दिए और ये किया आपने? आप मेवाड़ की महारानी है जयवंता बाई जी और ये सब कुछ कर रही हैं आप? अपने ही परिवार में फूट डाल रही हैं, विश्वास के स्थान पर अविश्वास फैला रही हैं। आप इस परिवार की मुखिया है जयवंता बाई जी और आप परिवार के अन्य सदस्यों पर आधारहीन आरोप लगा रही हैं। अब हमें समझ में आया कि सज्जा बाई जी क्यों हमसे ऐसी बातें कर रही थी। राणा जी, हम ये कहना चाहते थे कि भावी राजा की घोषणा के लिए कुंवर शक्ति के नाम का उस समय तो कोई अर्थ नहीं था, परंतु अब हमें सब समझ आ रहा है। तो वो आप ही हैं जिन्होंने परिवार के हर सदस्य में अविश्वास और असुरक्षा का विष घोल रखा है। अपना नहीं तो कम से कम अपने पद की मर्यादा का तो ध्यान रखा होता। बिना सोचे समझे आपने अपने मन के संदेहों को सच मान लिया। हमारे संदेह बिना सोचे समझे नहीं है, उसके पीछे सबूत है, सच है। हमें पूरा विश्वास है राणा जी, कुंवर प्रताप का जीवन संकट में है। लेकिन अब हमें आपके किसी भी शब्द का कोई विश्वास नहीं रहा जयवंता जी। जाने दीजिए राणा जी, जीजा के मन में जो संदेह था उसके आड़े वो अपनी संतान की सुरक्षा कर रही थी, जो चाहे कोई भी मां करती। दुख तो इसी बात का है कि एक मां होकर ये दूसरी मां पर केवल अविश्वास ही नहीं कर रही बल्कि अपनी संतान की हत्या का आरोप भी लगा रही है। और वो भी किस पर? जो प्रताप को अपने होने वाली संतान से अधिक प्रेम करती है, उस पर। जयवंता बाई जी, धिक्कार है आपकी मानसिकता पे। इसी समय यहां से चली जाइए और आज के बाद हम फिर आपका चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे। जाइए यहां से। बाबूजी राज प्रताप कहीं नहीं मिले गुरुदेव। अब तक तो इब्राहिम खान को आ जाना चाहिए था, लौटने में इतना विलंब क्यों? ये सब हमारी वजह से हो रहा है, हम आपके दोषी हैं। आपकी जिंदगी में आना ही नहीं चाहिए था हमें, आपसे विवाह भी नहीं करना चाहिए था हमें। आप
आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं राज, हमारे लिए जीजा को इतना बड़ा दंड मत दीजिए। यदि वो हम पे विश्वास नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं राणा जी, उनकी खुशी के लिए, आपकी खुशी के लिए, मेवाड़ की खुशी के लिए हम चले जाएंगे यहाँ से, सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे राणा जी। संभालिए अपने आप को धीर भाई जी, आप हमारे जीवन में आए, यह हमारा सौभाग्य है, ईश्वर का वरदान है, इसलिए आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जयवंता भाई जी आपको अपने जीवन में नहीं स्वीकार कर सकती तो वो जहां भी जाना चाहे जा सकती है। अश तो कुंवर प्रताप का है, किंतु कुंवर प्रताप कहां पे हैं? पता नहीं आचार्य जी, उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की हमने लेकिन नाकाम रहे, उनका कहीं पता नहीं चला, कहीं नहीं मिले, कहीं नहीं मिले। ये अश्व आपको कहां पे मिला? ये घोड़ा हमें जंगल में घास चरते दिखाई दिया था अकेले। इसका मतलब दादा भाई कहीं जंगल में ही है। कुछ अनुचित है, हम महामृत्युंजय का जाप करने जा रहे हैं कुंवर प्रताप की सुरक्षा के लिए। मेवाड़नाथ, मेवाड़नाथ, अनर्थ हो गया है। अभी अभी गुरुकुल से समाचार आया है कि बाऊजी राज कहीं खो गए हैं। कहाँ खो गए वो? कौन था उनके साथ? हुकुम, जो समाचार गुरुकुल से आया है उसके अनुसार अंतिम बार उनके साथियों ने जंगल में उन्हें घोड़े पर देखा था। जयवंता राणा जी की नजरों में कैसे गिर गई और साथ साथ कुंवर प्रताप खो गए। अब तो हम एकलिंग जी से प्रार्थना करते हैं कि मिले ही ना वो कभी। शमशेर खान जिन जागीरों को देने का वादा किया था, उन जागीरों को तैयार रखना हमारे लिए, क्योंकि हमने प्रताप को, मेवाड़ के मुस्तकबिल को माजी का एक किस्सा बना दिया है। कहाँ जा रही है महारानी सा? हम प्रताप को ढूंढने जा रहे हैं। महारानी सा, महारानी सा, आपका महल से बाहर जाना ठीक नहीं है, मेवाड़ की प्रजा में हलचल मच जाएगी। तो क्या करें हम? चुपचाप यहाँ बैठे बैठे हमारे प्रताप के अनिष्ट की कल्पनाएं करते रहे बस? वो कहाँ है, कैसे है, कुछ पता नहीं, हमें जाने दीजिए। महारानी सा, मेवाड़नाथ खुद गए अपनी विशेष टुकड़ी के साथ बाऊजी राज को ढूंढने। कुछ नहीं होगा महारानी सा, बाऊजी राज को कुछ नहीं होगा, वो मिल जाएंगे। एक लिंग जी पे विश्वास रखिए। स्थान है ये? कोई है? क्षमा करें, पर क्या आप हमें बता सकते हैं
कि ये स्थान कौन सा है और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आप सचमुच यहाँ है राजराणा जी? आपने हमारे प्राण बचाए थे, हमारा हमारा मेवाड़ बचाया था, हम आपको कैसे धन्यवाद करें? बहुत बहुत धन्यवाद राजराणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और राजराणा जी, राजराणा जी, कौन? भौजीराज, दादा देवीदास, आप यहां कैसे आ गए? यह स्थान आपके लिए नहीं है भौजीराज। पर दादा, ये स्थान है क्या? भौजीराज, नियति की कोख में आपके लिए कई बड़े बड़े महान कार्य पड़े हैं, जिन्हें केवल आप ही को पूरा करना है। इसलिए कभी किसी के कुछ कहने पर अपने मार्ग एवं लक्ष्य के बीच कोई बाधा मत आने दें। देशद्रोहियों से सचेत रहिएगा, हमें क्षमा कीजिए। बाउजीराज, हम जानते हैं कि जो कार्य हमने किया है वह अक्षम्य है, परंतु फिर भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। नहीं दादा, आपसे भूल हुई थी, जिसका आपको आभास है और उसका आपने तो प्रायश्चित भी कर लिया है। दादा आप कहाँ हैं? ये तो हमारे पुरखों की तलवार है। पर ये यहां पर कैसे? त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं
पुष्टिवर्धन पूर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो मुक्षीय मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। बाबूजी राज।